بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجموعة كي وافيا الله سبحانه وتعالى أبصر سب كوبني

दुर्यातिना दुर्यातिना दुर्यातिना। मुझे उम्मीद है दोबारा से अपनी को होगा कोई भी काम उससे पहले जब तक मैं और आप अपनी नीयतों को नहीं टोलते ना तो बात नहीं बनती की जब तक मैं और आप अपने रब के लिए मुखलस ना हो जाए तो अल्लाह तुझे और आपको मुखलस बना दे की जिसे कहा जाए अखलास से भरे हुए दिल अखला

हम देख रहे थे कि जो लोग कुरान से गौर और फिक्र नहीं करते या अमीन मीन इराज भरते हैं तो उसका आज हम चौथा देखेंगे नुकसान क्या होता है यानी चौथा क्या है कि कुरान पर, पर गौर और फिक्र ना करना और फहम हासिल ना करना ठीक है व रबी यु हजर तदबुरिह व तफहमुह व معرفه ما اراد متکلم به منه चौथी क्या है इसमें ग़ौर फिक्र नहीं करना कितनी दफ़ा होता है ना कि हम कुरान मजीद पढ़ते हैं अपनी रेसिटेशन पे फोकस करते हैं लेकिन कब होता है कि मैं और आप रुक कर थोड़ी देर के लिए उस आयात पे पॉन्डर करें गौरविकर करें बाज़ा इतनी सिमिलर होती है ना यानी आयात के अंदर बाद आप देखते हैं कि मूसा सलाम का रिपीटेडली तो लाया गया है क्यों कभी अज़ाबन अलीम उनकी बात आती है तो कभी अजीम उनकी बात आती है कभी अजाबलमोन उनकी बात आती है ना तो जब इंसान गौर फिक्र करता है उसके फ़हम और उस चीज की मार्फत को छोड़ देना जिसका इरादा कला कलाम करने वाले ने उससे किया यानी जब आप गौरव फिक्र नहीं करते हूँ उसकी फहम और उसकी जो उस चीज़ की मार्फत को छोड़ देते हैं जिसका इरादा कलाम करने वाले ने उससे किया है तो फिर क्या होगा हूँ तो फिर ज़ाहिर ऐसे लोग के कुरान मजीद से इराज़ परतते हूँ मुँह मोड़ लेते हैं इसीलिए तरमाते क्या भला लोग कुरान मजीद में गौर फिकर नहीं करते या इनके दिलों पर कफल यानी तालीब चढ़े हुए अल्लाह ना करे हमें से किसी के दिल पर जिसे कहा जाए ये जो हाँ अकफालू है ना ये ताले पड़ जाए और जब ताले पड़ जाते हैं दिल में कफिल है तिलावत तो तो करती हूँ या किसी भी अंदाज से कुरान मजीद को सुनती हूँ सुनाती हूँ तो क्या मैं गौर वफिकती हूँ और अगर अंदर जाए याद रखे जब तक ये कलाम अंदर नहीं जाएगा ना तो दिल की बात खार नहीं बनेगा आपकी आंखों की ठंडक नहीं बनेगा आपके दिल का तसकीन नहीं होगा अल्लाह ना करे हम में से किसी के दिलों पर ताले पड़ जाएं कि कुरान पढ़ें तो लेकिन अंदर इसमें कोई तब्दीली ना आए तो अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसी चीज से बचा ले कि ना ऐसा ना हो कि हम में से कोई ना गौर फिक्र करे ना उसका इदराक करे ना तद्बर करे ना उसकी मार्फत हासिल करे तो जो ऐसा करेगा तो दरअसल वो क्या है कुरान से इराज पर रखता है चलिए इंशाल्लाह शह मुन हो जाएंगे अपनी रेसीटेशन की तरफ पहले लफ्जी तर्जुमे को देखेंगे आज आपकी सूरह सुरहअलमुतफ़ी कंप्लीट हो जाएगी अल्लाहुम्मा अल्लाह ताला तब के लिए आसानी कर दे अल्लाहुम्मा आमीन ठीक है सूरह अल सूर्मिन पहले इसका लफजी तर्जुम देखेंगे आयत नंबर थर्टी तक हम कर चुके थे थर्टी वन से करेंगे व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इजा और जब इन कलबू वो पलट कर जाते इला तरफ अहलिहिम हैं, अपने घर वालों के क्या इंगलबू? वो पलटते फकी लगी करते और जब वो देखते उन्हें, कौलू, वो कहते, इन्ना बेश ये लोग है व मालाकि नहीं और उससे लोग वो भेजे गए थे अल उन पर निगेबान बनाकर फल बस आज के दिन वो लोग काफिरों पर हंस रहे होंगे की मसंदों पर वो देख रहे होंगे हल क्या सोवीबल को फारू बदला दिएगा काफिर माँ जो कानू थे वो यह फ़ालन वो किया करते कितनी खूबसूरत आयात है ना आज जितना भी लोग आपका मजाक उड़ाए कल क्या कुछ मिलने वाला है ना और कल सारा बदला मिल जाएगा एनी ओ आप सब रेडी हैं कितने लोग हैं रेडी हैं सब ने खोल लिया इनशाला चलिए आयत नंबर इनशाला थर्टी टू से ऑनवर्ड टाइप कीजिए ला चलिए जजातल खैर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكهين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلبوا فكه وإذا رأوهم قالوا إنها أولى إلى ضوء وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون अल्हमदिल्ला रबी हमारी रेसिशन कंप्लीट हो गई अल्ला हम सब लिए आसानी करी छोटी सी आयातें ज़्यादा लम्बा तो आपका लेसन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह ला थर्टी वन से थर्टी सिक्स आयात ना सिर्फ उन्नीस आयात इन शाह कोशिश करके इनको अपने अपने होमवर्क को भेजना है टाइम पे इनशा जब आप टाइम पर भेजेंगे तो इनशा इसका रिजल्ट आप खुद अपनी जिंदगीों में देखेंगे चलिए इनशाला थोड़ी सी तजवीज़ को देख लेते हैं ताकि जब आप मेमोराइज करें तो इनशाला प्रॉपरली मेमोराइज करें इनशा देखिये थर्टी वन से वह ठीक है अब देखिए वह ईजा जाल का मकरज मिक्स्योर जाय के साथ नहीं जैसे कहा जाए क्लैश करना चाहिए जय का मकरज हमेशा जबान के पीछे आपके दांतों के फ्रंट दांत के पीछे रहेगी आपकी टिप ऑफ दंगना जबकि आपकी आपकी टंग है आपके फ्रंट एजेस जो हैं फ्रंट टीथ के एजेस के साथ लगे कि इन जरा सा कीजिए क्योंकि हम जब कॉफ़ के लिए जब हम जैसे आपको पता है कि एयर बाहर आती है तो मेक श्योर कीजिएगा कि जो एयर आती है वो नोज से आती है ठीक है वो ईद क्योंकि कॉफ का क्यों मखरज कहाँ पर अगर आप देखें जो आपकी जो आपका आपके जो रूट ऑफ द टंग है वो ऊपर सॉफ्ट पैलेट से लगती है ना है ना तो आपका कॉफ अदा होता है ठीक है तो एयर को निकलने का मुंह से मौका नहीं मिलता वो नोज से निकल रही होती है वह आपने अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा आपका जो आपका लिप है वो राउंड होना चाहिए ठीक है बिल्कुल मिनिमम आप इसको सर्कल बनाइए और फिर आप इसको स्ट्रेच इसको स्ट्रेच करेंगे थ्री फोर टू फाइव काउंट ठीक है ठीक है फोर टू फाइव काउंट और आप इसको इनशाला मद्दुल जा, मद्दुलजायज मुनफसल है ठीक है फिर आप देखिए को भी आपने स्ट्रेच करना सेम जो मदल पहले वाली बू भी जो थी जायज मन, इला भी क्योंकि तो क्यों कह रही हूँ में आ रहा है यात्रा की मदल जो होती है उसके बनने का कुछ ना कुछ सबब होता है वन ऑफ द रीजन हमजा होता है ठीक है अगर हमजा उस वर्ड का हिस्सा होता है तो हम कहते हैं वाजिब मुतसल और अगर और अगर यात्रा से कि कि हमसा उस वर्ड का हिस्सा ना हो तो फिर वो मदुल जायज मुनफस है ठीक है तो हमसा आप देखिए नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है ना इला आहलीम ये भी अलग वर्ड है अब जो तो आह जो है ये आह नहीं है ये आह ये वाला आ है ठीक है तो इसको आह करके नहीं पड़ेगा ठीक है तो मेक श्योर हाँ पे हम्स भी होगा थोड़ा सा वाजी कीजिएगा आ, फिर आप ये देखिए आपने अख्फा करना है अगर हैवी लेटर्स हैं तो हैवी अकफा होगा और अगर लाइट लेटर्स हैं तो लाइट अफवाब अब यहाँ पे जो बू है इसको आपने टू काउंट पढ़ना है ठीक है इसको आप कितना काउंट ये फाउ मतिया है इसको ल, लंबा नहीं करना है नहीं, ही, ही, ना? जो साउंड है आपने एकदम एंड में देना है वो जो गन्ना आप करेंगे वो नाकस गना जो भी इसमें आपने एकफा के अंदर गन्ना देखा है ये आपका जिसे कहा जाए कामिल गना है कामिल है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आगे देखिए व ईजा जा को आपने टू काउंट अलफ मत दिया है औ आपका पूरा वाजे हो लीन टू काउंट औ बउ तउ सउ हउ खौ ठीक है तो मेक श्योर खौ तो मेक श्योर करना पूरा चूकन काउंट औ एक हमजा की जो फतहा की हरकत है और एक साकिन ठीक है औ पूरा जैसे हम कहते हैं जा औ दोनों का आप देखेंगे टू टू काउंट रहेगा और हम हम में देखिए जब आप करेंगे तो हा है ये हाथी हक होती है हा ये हा नहीं है हम नहीं है ठीक है तो make sure आपके खुद आपको फील होगा कि आप जो निकाल रही हैं वो हलक का वो हिस्सा जो आपके चेस्ट के क्लोज है अच्छा मीम पे जो आपका गुन्ना है वो नाकस गुन्ना है तो पूरा होम की हरकत को मीम का सुकून सुकून कंप्लीट करेंगे फिर आगे जाएंगे ठीक है कॉफ को आपने टू कौन पढ़ एफ में दिया लू लू को आपने इनशाला फोर टू फाइव ठीक है इनशाला फोर टू फाइव करेंगे ये भी आपका कौन सा जिससे कहा जाए आपका जो है ये क्या है नेक्स्ट लेटर में लेफ्ट नेक्स्ट लेटर में हमसे आ रहा है ना तो ये आपका मतुलजाइज मुनफसल आज आपकी मर्दुलजायज मुनफसल बहुत आ रही है फिर इन्ना पे देखिए अच्छा कॉफ भी ना हैवी होगा तो अलफ भी हैवी होगा अलफ जो है कभी पार्शली हैवी होते मतलब ये मुकम्मल हैवी लेटर नहीं है लेकिन अगर इससे पहले अलफ से पहले हैवी लेटर है तो हैवी होगा अलफ से पहले अगर लाइट लेटर है तो लाइट होगा ठीक है लू, लू इनशाला मदल इन्ना, इन्ना पे जो आपका गन्ना है मोस्ट कम्प्लीट गा ठीक है इन्ना 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 आपने पूरा कैविटी में रन करना है फिर इनशाला टू काउंट होल्ड करना है ठीक है ह तो हाँ, स्ट्रेच करना है ठीक है हाउ हा हाँ, हमजा उसी वर्ड का हा अलग है उलाई अलग वर्ड है ठीक है हा एक वर्ड है उलाई जो है वो एक वर्ड है तो ये जो हा पे जो मर्द मर्दाइज उलाई ठीक है उलाई हमसा उसी वर्ड का हिस्सा है तो मदलवाजब मुतसल वाज़ब मुतसिल उलाई के अंदर आपने भी फोर टू फाइव काउंट लेकिन हमसा चूंकि लाम का हिस्सा है तो आप इसको कहेंगे कि ये वाज़ब मुतसल है ठीक है लबो मिक्सौत को पूरा आपने सिक्स काउंट स्ट्रेच करके नबर करना हल्का सा जैसे आवाज ऊंची होगी तो ताकि सामने वाले को पता चले कि आप शद किया जाएंगे कर रहे हैं ठीक है ला दो ठीक है हल्का सा सलीब्रेट करेगा ताकि पता चले ये मद्दुल म, मद्दुल आ, क्या कहते हैं अः मद्दुल्लाजम कलम आ, कलमी मुसक्कल है ठीक है मद्दुल्लाजम कलमी मुसक्कल अच्छा कुछ मद ऐसी होती है जिसका सबब होता है सुकून या शत ठीक है तो ये वही मद है आपने जैसे दौलिन पढ़ते हैं हाजा पढ़ते हैं ना तो मेक श्योर कीजिएगा कि इसको आपने पूरा सिक्स काउंट जो हम हम जो रेसिटेशन पढ़ते हफ्स आसिम तरीका अशोक इसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको बिल्कुल सिक्स काउंट करना है ठीक है और फिर आपने नबर करके आवाज को एलिवेट करके लून लाम की दम्मा को वाजे करते हुए लून नेजल साउंड एंड में आपने ऐड करना है ठीक है तो ये आपकी क्या बन जाएगी मद्दुल वाजिब सॉरी लाजिम कलमी मुसक्कल ठीक है आगे देखिए व माँ अगेन आपकी मद्दुल जाय माँ को मोटा नहीं की जगह नहीं माँ बिल्कुल तरकीक से बढ़ेगा लाइट पड़िएगा ओरो उरुद हल्का सा रॉफ है जैसे है आप कैसे उतन ठहराओ हल्का सा तवस्सुत कीजिए ओरो सी लू ओरो ठीक है ओरो सी लू नहीं ओरो सी लू लू सीन की विस्लिंग साउंड वाजी हो के कीजिएगा कसरा को शार्प रखिएगा लू आपने वाओ टू काउंट पढ़ना है वाओ मदिया आई लई हिम पूरा टू काउंट रखिएगा आईन को अपने मकसद से निकालिए वस्तुल हलक से, हिं, हिं, हिं पे, ए, पे जो आप करेंगे तो मीन्स यहाँ पे भी आपका नाकस बनना है ठीक है यहाँ पे भी हमसे इसको पूरा टू काउंट पढ़ना है और मिडल ऑफ हेलक से यानी थोड़ा सा ज्यादा ठीक है तो इजान नहीं पढ़ना वो पढ़ना है ठीक है वी। और फिर एंड में आपने इनशाला ऐड करना है फल या उमा लाम पे बाउंस नहीं होना चाहिए फल ऐसे करके नहीं ना ही बहुत होल्ड होगा फल या उमा तवस्त है इसके अंदर लेकिन तवस्त के अंदर ये कि टाइम हल जैसे सबसे ज्यादा दौद की टाइमिंग है तो थोड़ा सा टाइम लेता है जमाओं के साथ सही इसी तरह फल जल्दी में नहीं पड़ेगा फल यौम नहीं लाम में तवस्त की क्वालिटी पे रिप्लेस हो जाएगी फल यौम ठीक है लाम को पूरा हिट करना है यऊ आपका वाउलीन है पूरा टू काउंट यऊ मलदीन जी दी या मतिया मैनू मैनू ये मदुल बदल आ गई और ये आपको मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ टू काउंट पढ़ेंगे ठीक है नू नू को भी आपने टू काउंट पढ़ना है मीनल कुफारी कुफारी फा, अब आपका अलिफ मत दिया है और फापे हम्स भी है री का री के कसरा को शार्प रखेगा दौत को जमाओ के साथ ठीक है बाउंस नहीं हो यद यद नहीं बाउंस नहीं होना चाहिए ठीक है जमाओ के साथ यद हकून ठीक है हा जो है आपका जिसे कहा जाए मिडिल ऑफ हलक से अदा होगा और जब आप रोकेंगे तो फोर फोर काउंट के साथ या टू फोर सिक्स आप कर सकते हैं हमने एक फोर रखा था ठीक है आई की आई निकालिएगा आ मोटा निकलेगा आ, आ नहीं आई लल आ रो रो को हैवी कीजिए ठीक है इसको आप पूरा करेंगे और आई की हमजा उसी वर्ड का हिस्सा है तो आप इसको इंशाअल्लाह फोर टू फाइव मद्दुल वाजिब मुत्तसिल ठीक है आरो आई नहीं है ई नहीं है सॉरी आई नहीं है ई है हम ई है तो बस बिल्कुल नॉर्मल अंदाज है आरो ई की दोनों की शार्प रखेगा कसरा को ठीक है वो चुके हैवी लेटर है तो हम एक्फा भी हैवी करेंगे और जब रोकेंगे तो निजल साउंड एंड में डालेंगे नाकस न है टू फोर सिक्स मदलारत लगुन कुफारू हल लाम पे बाउंसनी हल 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 ये गलत हो जाएगा ठीक है तो नहीं हल कुरु क्या है तो मेक शोर क्या इसमें एयर तो ब्लो होगी लेकिन आपका विस्लिंग नहीं है सु, सु, ये तो बल को आप आपको देखेंगे ना और जब वाव पे आपने नवर करना तो वाओ की आवाज थोड़ी सी आपकी इरेज होगी यानी आप मुरादे एलिवेट होगी थोड़ा सा ऊंची होगी कोफारु फलिफ मतिया रू मै कैन यहाँ पे आप इसको सर्कल कीजिए यहाँ पे आपकी मध्या में से कोई मध्या स्किप हो सकता है क्योंकि माँ को भी टू का को भी टू नू को भी टू तो यहाँ पे गलती आ सकती है मै कैन ठीक है मै कैन तीनों को आपने टू टू काउंट पढ़ना है अलिफ मतिया तो दोनों और लास्ट वाला वाउ मदिया लास्ट पे देखे यफ ठीक है यफ आलून हम्स करेंगे यफ है हाँ ना ये आपकी बाहर आ रही है आइन आइन को निकालेगा बहुत ज्यादा एग्जैक्टोरेट नहीं कीजिएगा नहीं ठीक है इनशाला रोकेंगे तो फिर मदार उम्मीद है बात समझ आ गई होगी आपने अपनी छह आयात हैं छोटी छोटी सी हैं अल्लाह ताला आपके लिए आसान कर दे तो इसको देख कर आपने तर्जुमा तो याद कर ही रहे ना तो आपके लिए इनशा आसान हो जाएगा बहुत खूबसूरत आयात है अल्लाह मुझे और आपको अमल की तोफीक दे दे ठीक है इनशाला तो आपने अपना होमवर्क भेजना वन से कर, uh, sorry, 31 से लेकर जो अपनी जबानी याद कर रहे हैं हिप्स कर रहे हैं वो हिप्स में भेजते हैं और जो अपनी तजवीज पर फोकस कर रहे हैं वो अपनी वैसी भेजते तो जाक खैर बारकी इन मूव ऑन हो जाएंगे ग्रामर के सेशन की तो ग्रामर के सेशन की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे अब सब ग्रामर के सेशन की तरफ मुश्किल लगता है बैठी कि <laughs> अच्छा कितने लोग हैं नहीं नहीं आप बस कभी भी ना मुझे भी सिस्टर का मैसेज आया था मुझे इतनी खुशी हो रही थी वो इतनी दफा रिकॉर्डिंग सुनती हैं और ऑफ कोर्स आ, ये वही बात है मन जदा वजदा आप देखिए ग्रामर है आसान बस थोड़ा सा आपको फोकस चाहिए अगर आप फोकस करेंगे ना तो मैथ जिनको आता है जिनका ज्यादा मैथ में इंटरेस्ट है तो वो ग्रामर बहुत जल्दी सीख जाएंगे लेकिन अगर आ, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना जैसे गुड़ डालते हैं तो फिर उतनी ही मिठास आती है ना तो वही बात है आप कितनी एफर्ट डालते हैं फिर उसका ही फिर आपको समटाइम हो सकता है कि आपको दुनिया में सलाह ना मिले आपने कोशिश की आपको ग्रामर नहीं आए दट्स ओके लेकिन अल्लाह ताला क्या तो आपका जन महफूज हो जाएगा इन शजीम अगर आपकी नीयत खालस है ना तो जब कभी आपको समझ नहीं आए अपनी नियत को भी चेक कीजिए कि मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है ना तो अपनी नियत को जब आप चेक करेंगे ना अखलास लाएंगे अल्लाह के लिए करेंगे इन अल्लाह ताला ज़रूर आपको सिखा देंगे तो बाद अब थोड़ा सा हम जैसे रिलैक्स मुरादे के बहुत कभी कभी बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं तो उसमें भी नहीं आता बहुत ही पैनिक होते हैं तो उसमें नहीं अपनी कोशिश जारी रखें अब वो है ना इंसानी इल्ला मासा नहीं है इंसान के लिए मगर उसकी कोशिश ठीक है तो अपनी कोशिश को कंटिन्यू रखिए मुजाहिद जो जिंदगी में वो हमेशा स्ट्रगलिंग चलता रहेगा और महासिबा ये सारी जिंदगी का जैसे कहा जाए प्रोसेस है एकाउंटबिलिटी हम अपनी तो कम करते हैं दूसरों को दूसरों की ज्यादा करते हैं तो अपना महासा और मुजाहिदा साथ रखिए इनशाला जो भी किसी किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से इनशाला आपके लिए बेनिफिशियल होगा को देखते इनशा आप लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कौन मुझे बताएगा जी अलहमदल्ला शाबाश क्या पढ़ा था टॉपिक आप लोग लिख रहे हैं मैं मैं, मैं जरा एक सेकंड मेरे पास चैट खुला हुआ है ना शाबाश क्या पढ़ता कोई टॉपिक याद है किसी को जी जुमला इसमें बारक अल्लाह बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं क्या अलहमद मुरक्कब जारी मुरक्कब ताम जुमला इसमें बारक अल्लाह बारकल्ला सेम फिक चलिए इंशाल्लाह अच्छा हम क -क कर रहे थे मुरक्कबात मुरक्कबात के अंदर हमने दो बड़ी कैटेगरी देखी थी मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब तम जिसको जुमला या सेंटेंस भी कहा जाता है या कलाम भी कहा जाता है ठीक है ना अल्हदल्ला तो ठीक है तो हमने मुरकब नाकस की कितनी कैटेगरी देखी है जो मुरकब इनकम्प्लीट कंपाउंड है उनकी कितनी कैटेगरी आपको याद है किसी को याद है खाली कैटेगरी कितनी है चार है पांच है तीन है दो है कितने मरकब आते हैं लिख के बताइए ताकि मुझे कंधे छाबर सर पांच पाँच है ससर शबीना पाँच पारकला बाकी बहने टाइप नहीं कहेंगी क्या ताकि मुझे पता चले कि आप में से और लोग हैं यहाँ पे मौजूद जी हमने कितनी कैटेगरी पढ़ी है हमने पांच कैटेगरी पढ़ी है शाबाश ठीक है तो पांच कैटेगरी जो हमने पढ़ी है नाकस की उसमें आताफी तोसीफी इवाफी जारी इशारी राइट है हाँ है ना इसके अलावा जो हमने हमने उसके अंदर हमने जिसे जाए, दो चीजें देखी थी, जिसको हम भी कहते हैं, हाँ ना? और जिसको हम कलाम भी कहते हैं और सेंटेंस कह लीजिए ये दो तरह का होता है शाबाश कौन कौन सा होता है लिख के बताइए टेक्स्ट में जी लिख कर बताइए कौन कौन सा होता है हम्म जुमला और फेलिया ज़मला इसमिया और फेलिया, इसमिया, और फेलिया है, इसमिया मैं कहूंगी ऐसा ज़मला है जो कि इसम से शुरू हो तो ठीक है ये कहना ज़मला इस्मिया वो ज़मला है जो कि इसम से ठीक है ज़मला इसमिया के कितने कॉम्पोनेंट हैं इसके कितने जुज है जुमला इसमिया के कुछ याद दो शाबाश शाहबाश बाराकल्ला अच्छा तो मैं ये सपोज करूं कि बस आप दो क्लास में हैं बाकी सारे लोग नहीं हैं क्लास में ना मैं ये सपोज करूं हुँ? कि ये दो बहने बारा पार्टिसिपेट कर रही हैं बाकी बहने माश, माशाल्लाह उम्मीद है कि आप सुन रही होंगे ना बच्चों ओके अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानी करें अल्हदल्ला जी मुफ्तदा और खबर मुब्तदा और खबर शाबाश बाराकल्ला सस्टर नसीन सस्टर शबीना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मुबदा और ख़बर ठीक है मुबदा मुबतदा के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि मुबदा जिससे कहा जा वो होता है जिसे कहा जा जिसके बारे में कोई ख़बर दी जाती है या जिससे जुमला स्टार्ट होता है तो ये मेरा जो स्टेटमेंट है वो ठीक है कि जिसके बारे में कोई ख़बर दी जाए या जिससे जुमले की इब्तदा होती है हुँ? मुबतदा ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और खबर वो होती है कि जिसके जरिए से किसी चीज की इतला दी जाए या कोई हुक्म हो या कोई बात कही जाए ठीक है ये मेरी बात ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शाबाश ठीक है अच्छा मुब्त खबर दोनों कौन सी हालत में होते हैं कौन सी हालत में होते हैं अमूमन हम्म मरफू, मरफो राबिया मरफू, अल्हम्दुलिल्लाह मरफू हालत में होते ठीक है तो ये बताइए कि जैसे हमने कल देखा था ना वैसे तो आपको पता है कि जब हम उसको देख रहे थे कि किस अंदाज से कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए आपको याद है वो कौन सी तीन चीजें हैं जिसमें कोऑर्डिनेट करेगा कौन कौन सी तीन चीजें हैं जिसमें मबतदा अपनी खबर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा Shabash is highlight jeans and other highlight jeans and other जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बिल्कुल सही है नंबर जेंडर टाइप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तो हमने देखा कि जो जिसे कहा जाए आ, अगर हम उसको देखें इराब के एतबार से तो दोनों हालत रफा में होंगे ठीक है अमूमन ठीक है लेकिन यह कि बाद बाज़ात ये भी होता है सॉरी दोनों हालत रफा नहीं दोनों मरफू होंगे लेकिन हमने देखा था कि एक चीज का डिफरेंस है कि मुबतदा अमूमन मारिफा और ख़बर क्या होती है अमूमन अब क्या होती है मुमेंट जी शाबाश नकरा शाबाश मुबतदा अमूमन जिसे कहा जाए मारिफा होता याद रखिए जब वन वर्डो मुफरत हो ठीक है मुफरत हो तो अमूमन जब मुबतद होता है तो वो क्या होता है मारिफा होता है और ख़बर अमूमन क्या होती है नकिरा होती है जब मुफरत हो यानी वन वर्ड हो इतनी बात समझ आ गई थी ना अल्हम्दुलिल्लाह और अगर याद रखिए मुबतदा अगर गैर आखिर की जमा हो तो उस पर खबर को कैसे लेकर आते हैं खबर कैसे आती जी जी आप जी अल्हम्दुलिल्लाह बताइए और अगर अगर की जमा हो जी अल्लाद जी वाहिद मोनस शापश वाहिद मोनस ठीक है और गैर आकिल की चीजें क्या है इंसान फरिश्ते और जन्नात के अलावा तमाम चीजें क्या है शापाश गैर आकिल है माशा अल्लाह ठीक है अलहमदल आप देख रहे थे कि थोड़ा सा अगर आप गौर वफिक करेंगे तो आपको जुमला इसमिया समझ आ जाएगा लेकिन अहम बात को याद रखिएगा कि जो इसमिया है और जो मुरकबे है, वेरी सिमिलर होते हैं बहुत सिमिलर होते हैं मगर आपको इस चीज को जहन में रखना है कि जो जुमला इसमिया होता है वो अमूमन उसमें मुबदा जो होता है वो मारिफ़ा होता है और जो खबर होती है वो नकिरा होती जबकि आप देखेंगे कि मरकबे तो में दोनों मार्फा होंगे चारों चीजों में कोऑर्डिनेट करना जरूरी है है ना ये बात हमने देखी थी ना ठीक है अलहमद ला आ जाइए नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट इन स्लाइड को कीजिएगा हम ये कर चुके थे हाँ नहीं इससे पहले वाले पे आइए हाँ हाँ हमने ये कर लिया था ना जुमला जी बाद वाली स्लाइड हाँ ये कर लिया था नेक्स्ट वाली पे आइए इसके बाद अः जी हाँ अब देखिए जुमले इसमिया की मजीद मिसाले थे अब आप इसने गौर से देखना है ठीक है ठीक है अलफी आ तो कैसी रोतन हम्म अब मुझे गौर से देख के बताइए अलफी आतु कैसी रोतन आपको क्या लग रहा है अब आप गौर से देखिए ये अल के साथ है तो इसका मतलब है अगर ये मुरकब तो होता तो इसको अल अलकसरातु होना चाहिए था अल्फी अतु अलकसरातु ठीक है ऐसे होना चाहिए था ना? लेकिन आपको पता है एक चीज मारफा है जो कि मुबतदा है और ख़बर जो है वो नकिरा आ रही है और दोनों मुफरद हैं ठीक है ना? तो आपने क्या कहा अल्फियात गुरु कसरा बड़ा है ठीक है अब आप देखिए अलफियातु में ये क्या है मारफा और कसियारात ना ठीक है अब आप तीनों चीजों में देखेंगे तो कोऑर्डिनेट करेगा दोनों हालत हैं दोनों को देखिए तो मानस है फिर आप दोनों को देखिए तो वाहिद बुल है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बस सत में डिफरेंस है गुड माशाल्लाह अब आगे देखिए अब आगे देखिए यहाँ पे आ रहा है ठीक है जईद वालिमानी वाहा, ठीक है अब आप, को, आप पहले ना जब भी कोई जुमला शुरू होता है गौर से देखें आप आप देख रहे हैं कि जैद का नाम आ रहा है और जैद की हालत पे देख रहे हैं कि जईद है तनवीन आ रही है वो भी बम्मा की है ना तो हम अब हम सोचते हैं कि जब कोई भी कलाम में आयत शुरू होती है देखते हैं कि इसम से शुरू हुई है या फेल से शुरू हुई है जब इसम से शुरू होगी तो फौरन आपका माइंड अलर्ट हो कि इसम से शुरू हो रही है इसका मतलब है कि ये जुमला इस्मिया होगा ठीक है ये फेलियर तो हो ही नहीं सकता वरना वो फेल से शुरू होता तो जैद से शुरू हो रहा है इसका मतलब जैद तो जिसे कहा जाए ये इससे मैं अब गौर से देखते हैं कि ये इनकम्प्लीट इन कंपाउंड है या कंप्लीट कंपाउंड है अगर कंप्लीट कंपाउंड होगा तो आगे बाद मुकम्मल होगी हम्म है ना और अगर इनकम्प्लीट होगा तो बात कंप्लीट नहीं होगी अब यहाँ पे देखिए जईद उन हालत रफाए वाओ यहाँ पे अतफ आ गया हामिद उन हामिद उन भी रफा है ठीक है यह आपका मातुफ उन अलग

जी ना किरा है ना जबकि जैद और हामिद ये मारिफा है कि नहीं आपने जब मारिफा की कैटेगरी पढ़ी थी उसमें एक कैटेगरी पढ़ी थी आयम एस एम आलम, आलम. याद आ रहा है एस एम आलम की कैटेगरी आपका आपका अपना नाम क्या है आपकी आइडेंटिफिकेशन है आपकी आइडेंटिफिकेशन है राइट तो अब आप ये सोचिए कि जिसे कहा जाए जी आप ये आप ये सोचिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हामिद और जैद दोनों एक पर्टिकुलर नाम है मैंने रजुल या जैद या मैंने वलद का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है तो यहाँ पे आप कहेंगे कि जईद उन हामिद उन जईद जो है मुक्तदा है और वो मातुफ उनफ का है हामिद उन मातुफ उन ठीक है मातूफ उन और जिसे कहा जाए कि ये दोनों क्या बन रहे हैं यानी जैद जो है मुबदा भी है और मातुफ इलई भी है ठीक है मातूफ भी बन रहा है ठीक है वो अवाव अतफ का है हामिदुन उन मातुफ ठीक है और फिर आगे देखिए आलिमानी ये इसकी जिससे कहते हैं दो की बात हो रही है तो हमने ये कहा था कि हमने आपसे क्या कहा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अदद में कोऑर्डिनेट करेंगे याद आ रहा है यहाँ पे चूंकि दो की बात होती है अब आलिमुल लाना गलत हो जाएगा आलिमुल लाना गलत हो जाएगा क्योंकि जैद और हामिद दोनों है और जो मातुफन आना का इराब होता है वो ही मात, का इराब होता है ठीक है ना तो बात समझ आ गई है कि आपने कैसे कहा हुआ मातूफुन उनई व मुराद के जो मातूफुन उनई का इराब होता है वही मातूफुन उन अला का इराब होता है और आलिमानी वन वर्ड इसकी खबर आ रही है इसीलिए नफरत है, है न मरवादे के वन वर्ड है तो ना है। ठीक है क्लियर है ये बात अब आ जाइए मुझ तही दूना आपको लग रहा है ये मुरक्बे है किस किस को लग रहा है तोसीफी है <coughs> शाबश आप में से किसी को लग रहा है कि ये मुरकबे तो किसको लग रहा है कि यस लिखे और नहीं लग रहा तो नो नो शाबाश ठीक है अगर ये मुरकब तो होता तो अल्मो नही दूना ये भी अल के साथ आता क्योंकि हमने कहा था ना वो सत में भी मैच करेगा जब अल अल्मो मारिफा है तो मुझ तही दूना को भी मारिफा होना चाहिए तो ये अल्मो नल मुझ हो जाता ना तो यहाँ पे बात हम रुक के पहले क्लियर कर लें कि ये तो नाकिस है ही नहीं सबसे पहले हम जुमले को जो भी अब जुमला शुरू हो रहा है तो हम देखेंगे जुमला तो दो तरह का होता है या तो इसमिया होगा या फेलिया अगर इस्मिया होगा तो वो इसम से शुरू होगा फेलिया होगा तो वो फेल से शुरू होगा इसम से शुरू हो रहा है <laughs> आप सब जानते हैं कि अल्मिमोना इसम है अब जब आप उसको देखते हैं गौर से आप देखते हैं कि किलमोअमुश्त धूना नहीं आ रहा आप कहेंगे ओप इसका मतलब है कि ये मुरकबे तो इनकम्प्लीट कम्पाउंड नहीं है आप देखेंगे फिर ओल फिर ये कंप्लीट जुमला है इसका मतलब है तो आप कहेंगे कि के ओ मुझ तही दूना ये इसकी खबर आ रही है तो अलमुआ ना सारी ये सारे का का किससे कर रहे हैं जो अल लगा है ना इससे कर रहे हैं सारे माल तही दू मेहनती है मेहनती है और अगर सपोज कीजिए मुरकबे तौसीफी होता तो आप क्या करते हैं मेहनती मुअल्लम मेहनती माल्म बस ये ट्रांसलेशन होता उलट के ट्रांसलेशन करते उलट के

मुझ तहीदूना मेहनती है अब आप इसको रुक के सोचिए सोचिएमोअमूना ये मारफा है और इसकी खबर वन वर्ड आ रही है ना तो पहली पहली जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मुकम्मल हो गई अलमोमूना मुझतूना दोनों जमा है अलमोअमूना मुझतहीदूना ये दोनों जैसे गाजर जमा के साथ मुजक्र है फिर आप देखें कि दोनों की रफ़ी हालत है क्योंकि ये जमा है और जमा का जो एराब है वो हरकत से नहीं हर्फ से आता हरकत से नहीं हर्फ से आता ठीक है।, है ये बात इतनी क्लियर हो गई सबको इसमें कोई कंफ्यूजन है हम्म किसी को कोई समझ समझ नहीं आई तो पूछिए यहाँ पे दस दफा पूछिए लेकिन क्लियर कंसेप्ट क्योंकि अभी हम सिर्फ सिंगल कर रहे हैं जब हम आगे देखेंगे कि मरक्ब तोसीफी भी जिसे कहा जाए वो बनकर आता है जुमला इस्मिया बनकर आता है तो फिर आप उस वक्त पर परेशान ना हो अब आपको सिंगुलर जब क्लियर हो जाएगा तो इनशाला वैसे भी आपको क्लियर हो जाएगा आ जाइए अल कलूब मोतम इन अल मुतम इन न सच बताइए देखने में कौन सा जुमला लग रहा है इसमिया लग रहा है या मुरकब तौसीफी लग रहा है क्या लग रहा है अलकलूब मुतम इन्न तुन क्या लग रहा है थोड़ा सा लग रहा है ना? क्योंकि अगर ये होता मुरकबे तो यहाँ पे अल नहीं होना चाहिए था तुम कुल्न तुम कुलूबुन मुतम इन तुम ठीक है अलहमदुल्ल ठीक है अब आप देखिए कुलूब कल्ब की जमा है अल कल्ब की जमा अल कुलूब और जित, ये जो दिल है ये गैरअकिल है ठीक है ना तो इसीलिए इसकी जमा अब इसका जो आप इसकी जो खबर लेकर आए हैं इस वक्त मैंने आपसे क्या कहा था गैर अकिल की अगर जमा आ जाए तो उस वक्त हम उसकी सिफत उस उसकी जो खबर है उसको क्या लेकर आएंगे एक आपको बताया था वाहिद मोनस ठीक है ना याद आ रहा है ना उस वक्त आपने ये नहीं देखना है ओ अल कुलूब तो जमा है मुतमा इन्ना तुन तो वाहिद आ रहा है हाँ ये है नहीं फिर आपको किसी चीज में मैच नहीं करना नहीं देखना कि वो सत में मैच कर रहा है आई I मीन mean, कहने का मक सॉरी वो सत कह रही मैच कर रहा है वाहिद में मैच कर रहा है उसमें क्या कहते हैं क्या मुस्कर मोनस में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है नहीं बस आपने उस वक्त एक चीज का देखना है कि वाहिद

और सिर्फ आप वाहिद مؤنس लेकर आएंगे तो अल कुलूब दिल मुतमइनत मुतमइनत मुतमइन है दिल मुतमइन है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आगे आ जाइए अल्लाहू कदीर अल्लाहू कदीर क्या लग रहा है जमला इस्मिया लग रहा है या मुरक्कब तौसीफी लग रहा है अच्छा बस बताइए अल्लाह कदीर इसमिया शाबाश इसमिया लग रहा है कैसे पता चल रहा है कि वर्ड अल्लाह मारिफा है ठीक है तनवीन आ रही है पहचान वाज़े है आपको पता है नकरा की पहचान होती है तनवीन लेकिन सिर्फ नकरा की पहचान तनवीन नहीं होती क्योंकि जईद में भी तनवीन आ रही है हामिद उनमें भी तनमीन है हु? लेकिन आपको पता है जैद और हामिद पर्टिकुलर लोगों के नाम है ठीक है तो आप ये कहेंगे कैदी ये इसकी खबर है आप देखेंगे दोनों हालत रफा है दोनों वाहिद हैं दोनों जिसे जाए सिंगुलर है और दोनों मुजफर है ठीक चारों कर है चारों चीजों में कोर्डिनेट कर रहे हैं आगे देखिए अल मुतानी जली ठीक है अब आप बताइए क्या लग रहा है आपको ये जुमला इसमिया लग रहा है या आपको वो लग रहा है आपको क्या लग रहा है कि ये मरकब है? क्या लग रहा है आपको आप देखिए नहीं कि आप स्क्रीन पर बस आपने ना जुमला इस्मिया ठीक है अगर ये होता मुरकब तो आप कैसे करते लाम लगा होता। इसकी, इसकी जो बराबर में इसकी सिफत क्योंकि सिफत और मौसू चारों चीजों में कोऑर्डिनेट करते हैं जबकि जुमला इसमिया के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि मारिफा और खबर नकल होनी चाहिए ठीक है अमूमन

तो आप देखेंगे दोनों हालत रफा हैं दोनों जिसे कहा जाए रफी हालत में है साथ साथ आप देखिए दोनों तस्निया हैं और दोनों जिसे कहा जाए मोन ठीक है तो अब आप कहेंगे ओ ये तो पूरा मैच कर रहा है तो आप कहेंगे दो उस्तानिया जल जाली सातानी बैठी हैं क्योंकि हमें हमें पता है कि अगर मअ तस्निया है तो खबर भी तस्निया ही आएगी अदद में एक दूसरे के साथ मैच करेंगे ठीक है अल मुअल्लिमातानी जालिसातानी जालिसातानी ठीक है? अब देखिए अल मुस्लिमুনা इख्वतुन मुसलिमुना खुवा सारे मुसलमान भाई हैं या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मुसलमान भाई हैं भाई भाई हमारे यहाँ है कहते हैं ना मुसलमान भाई भाई हैं तो ये वही है इसकी अरबी ये आती है अल न ए ठीक है अल न ए अच्छा ये इसमें देखिए अल अलमुसलिमूना आपको पता है कि अल अलमुसलिमू क्या है आप आप सब जान रहे हैं कि ये जो है वो अलफलाम के साथ है तो आपको पता है ये मारिफा तो ना किरा आ रही है ठीक है अब अगर आप देखिए अलमुसलिमूना जमा है और जमा जिसे कहा जाए जमा जमा आती है अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है ठीक है अल अलमुस्लिमूना मुस्लिम ठीक है मुस्लिम और मुस्लिम जिसे कहा जाए आपको पता है कि जैसे ये कैटेगरी है ना कि मुसलमान काफिर फासिक है ना मुशरक इसी तरह मुस्लिम ठीक है अब ये जमा है जमा तो आ रही है लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है कि इसकी जो खबर है वो तो नाती है तो नाती है।, अच्छा ये जो ता है ना इसको आप मोनस का ना समझे ठीक है अब अक्सर होता है कि हम हमेशा ताए मरबूता को मोन्नस का समझने बैठ जाते हैं ठीक है कभी ताए वाहिदत के लिए भी आती है ठीक है कभी जो है वो ता जो है वो जैसे आप उस और जैसे आप है, आता है नाम में तोलातु है, है ना इसी तरह किसी के नाम में मर्दों का नाम है लेकिन ताए मरबूता पे कंप्लीट होता है हम्म तो ये जो ता आती है इसके मुख्तलिफ जिसे कहा जाए कि अलग अलग रूल है किसी चीज को वाहिद करने के लिए भी आती है ऐसा मॉनस को, को भी रिप्रेजेंट करती है ठीक है तो और और भी इसके एक दो हैं जो मेरे जहन से भी निकल रहा है तो लेकिन एनी हा इसको एक्सेप्शन में रखिए इनशाला इसकी डिटेल जब हम आगे मैं करवाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी अभी बस आप इसको एक्सेप्शन में कि अल मुस्लिम जो कि मुब्त है और जिसे कहा जाए ए खतुन ए ये इसकी खबर आ रही है के मुसलमान जो हैं भाई हैं। इसको मैं भी डिटेल में नहीं करवा रही हूं मैं इसकी इनशाला थोड़ा सा जब थोड़ा सा मैं आपको और करवाऊ तो फिर मैं इनशाला थोड़ा सा ताए के सॉरी साए मरबूता के बारे में आपको बताऊँ फिर उसके बाद डिटेल करवाऊंगी ठीक है इनशाला नेक्स्ट पे आ जाइए अब थोड़ी सी एक बात को आज हम सीखेंगे और वो क्या है मरकब तो का इस्तेमाल जुमला इसमिया में अब तक हमने सिंगुलर देखा मुफरत देखा चाहे वो तस्निया हो चाहे चाहे वो जमा की हालात तो लेकिन वो वन वर्ड था अब हम देखते हैं कि कभी मुरकब तोसीफी जुमला इसमिया बन जाता है हम्म कभी मुरकब तोसीफी जुमला इसमिया बन जाता है ठीक है चलिए इसको देखते हैं आपके पास आ रहा है जईद उन रजुल ठीक है जईद उन रजुल गौर से देखिएगा जईद और अच्छा इतनी सी बात को रोकेगा बस मैं इतनी ही सी बात को रोकूंगी जईद उन साल आप सबने इस पे गौर करना है अच्छा ये बताइए जुमला किससे शुरू हो रहा है जी जी इनशाला सचीना जी इनशाला मैं इनशाला उसकी डिटेल बताऊंगी हमारे में हमेशा ये बात आती है ना तो जुमला किस से शुरू हो रहा है इसम से तो अब आपको ये तो पता है कि इसम से है तो आपने कहा चलो अगर इसम इसमिया है तो इसका तो ये फिर मुबदा होगा क्योंकि ये ज, जिसे कहा जाए हमने दो पार्ट पढ़े जुमला इसमिया के लिए पहला मुब्त दूसरी खबर आपने कहा जईद ओह ये तो मुबतदा है अब इसकी खबर देखते हैं कि जैद रजुल लड़ क्या है आदमी है आदमी है लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ आदमी नहीं है रजुल स्वा लेह नीक आदमी है हम्म नीक आदमी है तो अब आप देखती हैं कि जो खबर आ रही है रजुलहोन जो उसकी खबर आ रही है वो मुरक्कब तौसीफी की शक्ल में आ रही है जी तो अब आप ये देखिए आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी जी आवाज आ रही है ना हाँ तो अब आप ये देखिए कि आपने देखा इतने से जुमलों को इतने से जुमलों को आपने कहा क्योंकि जैद मारिफा है और किरा है हाँ ना इतनी सी बात अभी हमने छोड़ी हमने कहा जैद आदमी है जैद मर्द है ठीक है लेकिन हम देखते हैं कि रजुल सालिहुन की जब कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हम कहते ओ सुभान अल्लाह ये तो भाई ये तो दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं मुरादे के चारों चीजों में कोऑर्डिनेट

ठीक है वह हुआ और वो क्या है मौसूफ यानी मनऊत और सालिह नात यानी सिफत है नात यानी सिफत है ऐसे भी कह सकते हैं ठीक है और या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं एनालिसिस में कि जयत उन मुबतदा और रजुल सालिहुन इसकी मुरकबे तोसीफ़ी की शक्ल में खबर आ रही है ठीक है तो दोनों वैसे आप इस अंदाज से इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ठीक है आपने देखा कि जईद इस दफा अब आप गौर से देखिए कि जईद उन क्या है ये मारिफा है सॉरी जी मारिफा है ठीक है इसम आलम की कैटेगरी जबकि रज साल मुरकब तौसीफी की शक्ल में ये ना है ना है ठीक है तो ये अब आप कहेंगे कि जईदा रजुल खबर है वह हुआ और वो मनऊत यानि मौसुफ है और सौली जिसे कहा जा ना तारी इतनी बात समझ किसको समझ आ गई इतनी बात मुश्किल तो नहीं लगा आसान है ना थोड़ा सा जुमले पर गौर वफिक करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा जबीना आपको आ गया और अभी आपको आया बाकी बहनों को आ रहा है जी अल्हमदल्ला जी ठीक है बाकी आपको अलहमदुल्ला जी बार्ला ठीक है अलहमद तो इसका मतलब है क्लियर है ठीक है अब हम देखते हैं जईदी हु ठीक है अब इसको थोड़ा सा गौर करेंगे अच्छा अब आप देखते हैं कि जईदून अब आपने गौर से जुमले को देखा आपने कहा कि ये तो जुमला से शुरू हो रहा हूँ <स्थाथ> आपने कहा ये तो इसमिया है ठीक है अब आप इसकी खबर को देखते हैं तो इसमें आ रहा है हुआ रुआ जुलो हो याद रखिए जो हुआ हुमा हुम अना नानो जमीर मरफू मुनफसल आपने ये पढ़ा हुआ है डिटैच है ये क्यों आती है कलाम में हसर के लिए आती है कि तो बात को इसको बाउंड कर दिया गया कि जैद ही नेक लड़क नेक आदमी है यानी इस बात ने ना हुआ नहीं आकर इस बात को कंफर्म कर दिया हिसार में ले ले जैसे हम कहते हैं ना चार दीवार किसी भी घर की चार दीवार होती है तो वो जमीन को हिसार कर देती है यानी प्रोटेक्ट कर देती है है ना ऐसा ही होता है ना तो जब हुआ जमीर आती है या हम कहते हैं ना उलाई का हुमुल मुफले ताला ऐसे भी कह सकते थे उलाई कल मुफले हों लेकिन हुमुल मुफले हन अल्लाह तला ने बता दिया बस यही कामयाब होने वाले बस ये ये कैटेगरी है जो कामयाबी पाने वाले हैं अब मैं और आप अपने आप को देख लें क्या वाकई में और आप इन कामों को कर रहे हैं हुँ? तो सीम इसी तरह पे ये बात है, तो है, तो है।, तो तो है। यहाँ पे रुक कर आपको मुझे एक बात को क्लियर करना है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो अब आप अरहू <laughs> को देखिए दोनों कौन सी वो सतबार से देखिए मारिफा है या नकिरा मारिफा है या बताइए अब इतना तो आप बता सकते हैं मारिफा है ना इसमें तो किसी को डाउट नहीं है मारिफा की है बिलटेगरी बिल बिल्लाम कैटेगरी है हुँ? आपको याद है ना हमने मारिफा की सात कैटेगरी पढ़ी है हाँ ना सबको पता है अच्छा मैंने तो आपसे कहा था कि मुबतद जो होता है अमूमन हालत और जो खबर होती है वो ना करा लेकिन आपको याद है मैंने वहां पे ऐड कराया कि जब वो मुफरत हो मुफरत हो ठीक है अब यहाँ पे देखिए अरुस्वाली सालिह यह मुफरत है ये या मुरक्कब है मुफरत है या मुरक्कब है मुरक्कब है ना तो फिर ये याद रखे फिर वो कंडीशन हट जाएगी कि ये नखिरा नहीं ये मारफा भी आ सकता है ये मारफा भी आ सकती है ठीक है ये बात आपको अच्छी तरह क्लियर करनी होगी अपने जहनों में ठीक है यानी मारफा भी आ सकता है फिर नखिरा भी आ सकता है लेकिन अगर मुफरत है ठीक है मुराद है कि अगर वन वर्ड है चाहे वो रजुलानी हो चाहे वो हो, या याड हो सिर्फ वन वर्ड हो तो फिर अमूमन वो जिसे कहा जाए नखेरा आती है खबर लेकिन अगर किसी कंपाउंड की शक्ल में आ रही है कोई भी वट एवर कंपाउंड हो लेटर ऑन अभी हम सारे कंपाउंड को जुमला इसमें की शक्ल में देखेंगे तो वो जरूरी नहीं होता कि वो नखेरा हो ठीक है तो बात क्लियर हो गई इसीलिए मैंने आपसे कहा था वहां पर नोट कर लीजिए वन वर्ड हो तो फिर हम उस वक्त कहेंगे कि

अर्रजुलिहु नेक आदमी है नेक आदमी है ठीक है जैद वो ही नेक आदमी है वो ही नेक आदमी है पूरा ट्रांसलेशन करेंगे पूरा ट्रांसलेशन करेंगे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तो ये बात क्लियर हो गई चलिए अब दो लाइन और रहेगी गई फिल बैती रजुल सोलिहुन अब मैं आगे कर लूँ ना ये वाला पेज ताकि आपको समझा दू तो फिर आपको होमवर्क दे दू ठीक है आपके आप इजाजत आप दीजिए मैं कर दूँ ये वाला ताकि आपको क्लियर हो जाए ये वाला ये वाली नेक्स्ट वाली बात को आपको क्लियर करना जरूरी है मुझे फिल्मी रॉलिन अच्छा अब गौर से देखे एक बात को अब आप देखते हैं कि जुमला तो इसम से है कैसे कि हर्ब से शुरू हो रहा है और आपको पता है कि फी जो है जितने भी हरूफे जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस एम से पहले आते हैं और वो एक्टिव होते हैं आमिल हैं लेटर जो के असर दिखाते हैं अपने बाद वाले उसको जर देते देते है ना ये तो सबको पता है ना तो फेल थे। अब आप ये कह रही लेकिन यहाँ पे रुक आपने इस बात को अपने माइंड में बिठाना है कि जार मजरूर कभी भी मुब्त नहीं बन सकते नोट कर लीजिए जार मजरूर कभी भी मुब्त नहीं बन सकते लेकिन ये खबर बन सकते हैं ठीक है लेकिन ये खबर बन सकते हैं लेकिन हम इनको एक्चुअली खबर का नाम नहीं देते हम कहते हैं शिबु शिबु जुमला खबर शिबु जुमला शिब शिबु का मतलब क्या है कि शबी है खबर की ठीक है यानी खबर से मिलता जुलता है हम कहते हैं ना बहुत मुशाबहत है है हाँ ना तो वो मुराद क्या कि बहुत रिजेम्बलेंस है क्यों क्योंकि यानी जुमले यानी खबर की तरह है लेकिन एक्चुअली मुकम्मल खबर नहीं क्योंकि वो कभी भी मुक्बे जारी इनकम्पलीट कम्पाउंड होता है ठीक है लेकिन याद रखिए कभी भी ये कलाम में मुबतदा नहीं बन सकते पहली बात नंबर टू खबर बन सकते हैं लेकिन हम इनको ये नहीं कहेंगे खबर हम इनको कहेंगे शिबु जुमला खबर ज़मला खबर खबर की तरह है खबर की तरह है। ठीक है इतनी बात समझ समझ आ तो समझ आ गई ये दो पॉइंट गए जब भी जा... अच्छा अब तीसरी बात हम देखेंगे कि जब हम देखें तीसरी बात हम नोट करते हैं कि फिल ब तो लिहाजा ये तो मुबदा बन ही नहीं सकता और हम देखते हैं कि तो अब यहाँ पे रुक के सवाल ये पैदा होता है कि बैती तो खबर तो बन सकता है तो भी ये शुरू जुमला खबर होगा तो क्या खबर पहले लाई जा सकती है जी हाँ अमूमन जो तरतीब होती है जुमले की पहले मुबदा आता है अगर जुमला इस्मिया है तो उसकी जो जो कॉम्बिनेशन है या उसकी जो भी कॉम्पोजिशन है उसमें पहले क्या होगा पहले मुब्त और फिर खबर और फिर मुत्ल खबर ये इसका फार्मूला है सबसे पहले क्या मुबतद प्लस खबर प्लस मुत खबर ये इसका फार्मूला है लेकिन कभी कभी ये तरतीब बदल जी, बदल दी जा बदल दी जाती है क्यों बदली जाती है कलाम में जोर पैदा करने के लिए जब कभी खबर को मुकदम लाया जाता है ना मुकदम का मतलब पहले लाना और ख़ासकर खबर अगर आपकी मरकब जारी की शक्ल में मुराबे मुरादे के शिव जुमला हो तो फिर कलाम के अंदर स्ट्रेस पैदा करना होता है ठीक है कलाम के अंदर जिसे कहा जाए जोर पैदा करना होता है तो याद रखिये आप क्या कहेंगे कि फिल बोर्स जुमला इसमिया है जुमला फेलिया तो हो ही नहीं सकता अब जब जुमला इसमिया है और हमें कंफर्म पता है कि फिल बैती तो बन ही नहीं सकता मुबतदा तो हमें पता है कि ये तो खबर बन गई हमने इसको खबर बना लिया और शिब जुमला खबर का नाम दे दिया साथ में चूंकि पहले आई है तो मुकदम का नाम भी दे दिया कि ये पहले आ गई है इसको आना तो पह, आना तो पहले मुबतदा को था लेकिन कभी कभी सीक्वेंस बदल जाते हैं क्योंकि इंसानों के बनाए हुए रूल है ना तो आगे पीछे सीक्वेंस हो जाता है ओ खबर पहले आ गई हम कहेंगे जार मजूर छिपो जुमला जिसे कहा जाए खबर मुकदम अब हम कहेंगे भाई डेफिनेटली रजुल सॉले होना अब हमने तो कहा था मुबतद जो है मारिफा होता है याद रखे जब मैंने क्या कहा था अमूमन वन वर्ड हो लेकिन अगर वन वर्ड नहीं है तो जरूरी नहीं होता कि वो मारिफा हो ठीक है मारिफा हो भी सकता है और नहीं जैसे अभी मैंने आपको खबर के बारे में बताया कि अगर किसी कंपाउंड की शक्ल में तो जरूरी नहीं होता कि वो मारिफा भी हो ठीक है तो अब आप कहेंगे ये मुब्तदा है और का मतलब ये लेट हो गया है ना इसको इसको पहले आना था लेकिन ताक लेट हो गया प्लस ये मनऊत भी है मनूत का मतलब क्या मौसूफ है और इसकी सिफत आ रही है क्या नात आप इसको ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हैं फिल बैती जान खबर और, और, और जिसे कहा जाए आप कहेंगे मुबतदा है और और जिसे कहा जाए रजुल सॉरी भी है और साल इसकी खबर या आप ऐसे भी कह सकते हैं रजुलसालिहन मुबदा बन रहा है और मरकब तो बनकर जिसे कहा जाए ये अः मुबतदा बन रहा है ठीक है आप इसको ऐसे कह सकते हैं तो बात समझ आ गई बात समझ आई है किस किस को ये बात समझ आ गई किस ये, ये तीन बातें किसको समझ आ गई आपको आ गई है को जी आप इसको आपको भी आ गई है बारह और किसको किसको नहीं आ रही तो ये अगर पॉइंट्स आपके जहन में रहेंगे ना देखिए आपको सामने मैं नोट्स दे दूं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दू ना तो आपको नहीं समझ आएगी आपको अच्छी तरह जो एक प्रिंसिपल है रूल्स है उसको बिठाना है जहन में अगर आपके जहन में वो रूल रहेगा ना फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप पहचान लेंगे और फिर आपको कलाम के अंदर जो एक अल्लाह ताला ने खूबी दी है ना हम देखते हैं कि कभी जिसे काजर इस अंदाजे के खबर पहले आ रही है शिवो जुमला तो पता चलता है कि इस कलाम के अंदर कितना जोर है कितनी ताकीद है हम तो बस यही पढ़ के चले जाते हैं ना चले एनिया लास्ट वाला देख लीजिए अर रजिहुन ठीक है गौर से देखिए दोनों कंपाउंड है अर रॉजोलो सॉलीहू जदीद उन अभी देखें गौर से देखेंगे अर सालिहु चारों चीजों में कोऑर्डिनेट कर रहे है दोनों मारिफा है लेकिन तालिबुन उन चारों चीजों में कोऑर्डिनेट कर रहे है दोनों न है तो अर सालिहु ये मुब्तदा है तौलिबीद ये इसकी खबर है नेक आदमी क्या जदीद तालिबुन उन क्या है आप इसको ट्रांसलेशन क्या करेंगे न्यू स्टूडेंट है ठीक है तो जो नेक आदमी है वो न्यू नी, है नया स्टूडेंट है तो कहने का मकसद है आप इसको आराम से पहचान जाएंगे कि आपने देखना है कि जुमला स्टार्ट किससे हो रहा है ओ अर्रजुल आपको फॉरन पता है कि ओ ये तो जिस है के इस्मिया है, फिर आप देखते हैं कि गौर से देखते हैं वन वर्ड आ रही है मुबतदा या फिर जिस अमूमन तरतीब में तो मुबतदा पहले आएगा ठीक है लेकिन क्योंकि एक तो पता चल गया मुबतदा है ठीक है सेकंड आपने देखा मोरक ये जो मुब्तदा है वो कंपाउंड की शक्ल में आ रहा है या वन वर्ड आ रहा है सिंगुलर आ रहा है आपने कहा नहीं ये तो अर रजुल को मैच किया ओ ये तो मैच कर रहा है हो के साथ इसका मतलब है कि कंपाउंड की शक्ल में आ रहा है तो आप कहेंगे अर रजुल वह हुआ और वो मौसू भी है हो जिसे कहा जाए आप कहेंगे कि इसकी सिफत भी आ गई है नाद फिर आप देखते ओ अब इसकी खबर बताई जा रही है जदीदुन, ओ अब ये इसकी खबर भी है वह हुआ मौसु भी है और जदीद उन नात या इसकी सिफत है हम्म तो सिंपल अंदाज में आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि जो नेक आदमी है वो नया तालिब इम है नया तालिब इलम है तो कितनी मुश्किल है सॉरी उम्मीद है बात समझ आ गई होगी लास्ट की इन आप कर लेंगे ना कोई मुश्किल तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह चलिए थोड़ी सी आयत को क्विकली देख लेते हैं अगर एक आयत को मैं देख लेती हूँ अगर कुछ आता है तो आयत नंबर इला वबूलाम ठीक है ये कौन सा मुरक्कब है इला आहली ही, ही। जी आहली बताइए कौन सा मुरक्कब है देखते कौन बरा बता सकता है इला की वजह से आहली हो गया है आह, अस, 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 असल में क्या होना चाहता होना चाहिए था आहलू होना चाहिए था ना लेकिन इला की वजह से कौन सा मुरक्ब बन गया मुरक्बे बताइए जारी शाह सब बताइए और, और आहली हिम कौन आ सा, आ, सा आ, है आ, haya, मैं, मैं। आहली हिम बताइए आहली हिम बताइए मुरकबे हम्म अपने अहल इजाफी शाबसिन इजाफी ठीक है और हमें पता है कि हिम जो है वो मबनी की कैटेगरी लिहाजा इसका इराब नहीं हो रहा ठीक है इन अच्छा इसको हम छोड़ देते हैं ठीक है इनशा ये वर्ब है वह ईद ये भी वर्ब है, वर्ब है वर्बर अः ये भी अभी, अभी नहीं करते हैं यहाँ पे अभी आपके वर्ब नहीं आ रहे वीलुलेम ये आपका जो है ना आल ये भी आपका مرقبه جاريه حافظين अच्छा ये आपका वो है खास वजन पर आ रहा है हाफिज उन से है आगे आते हैं अफल यौमीना अल नहीं ये भी आपका अ, अ, ये फाज जो है वो अपफ का है अल्लादीना अमनु मीनल कुफारी ठीक है मिन था ये ठीक है मीनल कुफारी इसीलिए कुफार के नीचे आपको पता है कि मुरकब जारी है आगे आ जाइए अल अल आराई आरा देखिए ये भी मुरकब पहले जारी है आरा की आरा एकी जो है ये बेसिकली मुरक्कबे इजाफी है। हल्सो विबाल को फार ठीक है अच्छा इसकी आयत में नहीं आ रहा मैं आपको कुछ सेंटेंस भेजूंगी इनशाला और आपने फिर आपको आइडेंटिफाई करना है ठीक है मैं आपको इनशाला कुछ भेजूंगी जो अब तक आपने पढ़ा है ठीक है तो फिर आप उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे अभी आपका आयत में से काम क्या है कि आप जितना पढ़ चुके हैं चाहे वो आप पूरी मुफरत की कैटेगरी चारों लिहाज से देखिए आप मुरकब में नाकस कंपाउंड को देखिए आप जुमला इसमे को देखिए पहचानिए और अपने तौर तो पर एनालिसिस कीजिए अपने तौर पर अगर आप ग्रुप में चाहते हैं कि

نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير كثيرا بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته